दोस्तों पेटीएम का शेयर जिसका नाम है 197 कम्युनिकेशंस आज 24 मार्च को करीब 13% बढ़ा है। दोस्तों आज इस शेयर में 13% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोस्तों इसके अलावा आज इस शेयर में काफी ज्यादा भारी वॉल्यूम भी देखने को मिली है। दोस्तों पेटीएम के शेयरों में आज पिछले 4 महीने की सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली है। दोस्तों पेटीएम के शेयरों ने आज के कारोबार में BSE पर 13% की बढ़त के साथ 592.40 रुपए का स्तर छुआ है। यह स्टॉक में 24 नवंबर 2021 के बाद आई सबसे बड़ी तेजी है। दोस्तों आज 12:20 पर यह शेयर अपनी पिछली क्लोजिंग से 12% ऊपर यानी 585 रुपए के करीब कारोबार कर रहा था। दोस्तों ये स्टॉक अपने लिस्टिंग के बाद से लगातार गिरावट के दौर में रहा है। दोस्तों अब तक ये शेयर 2150 रुपए के अपने शुरुआती प्राइस से 70% से ज्यादा टूट चुका है। दोस्तों ये स्टॉक 18 नवंबर 2021 को बाजार में लिस्ट हुआ था, तब से इसके मार्केट कैप में 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों दौलत कैपिटल ने रिसेंटली जारी अपने नोट में इस स्टॉक को बाय रेटिंग देते हुए इसके टारगेट को 2500 रुपए से घटाकर 1620 रुपए कर दिया है। इसके अलावा ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि RBI द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक को नए कस्टमर बनाने से रोकने के चलते कंपनी की वित्तीय स्थिति पर बहुत कम असर पड़ेगा, लेकिन इससे ग्रोथ कॉन्फिडेंस पर नेगेटिव असर आएगा। दोस्तों दौलत कैपिटल का यह भी कहना है कि RBI के इस एक्शन से पेटीएम के लॉन्ग टर्म पर रेवेन्यू ग्रोथ पर लगभग 100 बेसिस पॉइंट का नेगेटिव असर पड़ेगा। रिसेंटली एक दूसरे ब्रोकरेज फर्म जिसका नाम है मैक्वेरी, इस ब्रोकरेज फर्म ने भी स्टॉक के टारगेट प्राइस में 39% की कटौती करके इसको 450 रुपए कर दिया है। दोस्तों मैक्वेरी ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि निवेशकों को इस स्टॉक में बॉटम फिशिंग से बचना चाहिए और ब्लूमबर्ग के मुताबिक पेटीएम को 4/2 होल्ड और 3 sell की रेटिंग भी मिली है। दोस्तों इसके अलावा मंगलवार को पेटीएम के स्टॉक्स में तेज गिरावट पर BSE ने 197 कम्युनिकेशन से स्पष्टीकरण मांगा था, मतलब पेटीएम ने BSE के सवालों के जवाब बुधवार को दिए थे। उसने कहा था कि कंपनी और उसका बिजनेस पूरी तरह से मजबूत है। उसने यह भी कहा है कि समय समय पर वह सभी जरूरी जानकारियां टाइम टाइम पर BSE को देती रही है। उसने कहा है कि कंपनी यह भी बताना चाहेगी कि बिजनेस फंडामेंटल मजबूत बना रहे, जो 4 फरवरी 2022 को जारी नतीजों में दिखता है। दोस्तों 197 कम्युनिकेशंस ने आगे कहा है कि हम फिर से यह कहना चाहते हैं कि कंपनी लिस्टिंग से जुड़े नियमों के पालन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ऐसी कोई जानकारी या ऐलान जिसका असर कंपनी के शेयर के प्राइस और वॉल्यूम पर पड़ सकता है और इसे ठीक टाइम के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को बताया जाएगा।